हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हैप्पी नवरात्रि आप सभी को। आज हम बनाएंगे नवरात्रि स्पेशल साबूदाना की खिचड़ी। इसके लिए सबसे पहले हम साबूदानों को भिगा देंगे। अच्छे से वॉश करने के बाद इसे भिगो के रख देंगे पानी डालकर। 2 घंटे के लिए लगभग भिगा देंगे। उसके बाद फिर हम 2 घंटे के बाद इसे बनाना शुरू करेंगे। एक कढ़ाई लेंगे, कढ़ाई में घी डाल देंगे और इसमें थोड़ा सा मूँगफली का दाना भी रोस्ट करके निकाल लेंगे। देखिए मूँगफली दाना मैंने भून लिया है। अब हम इसी कढ़ाई में हरी मिर्च काट के डाल देंगे। आप जीरा भी ऐड कर सकते हैं लेकिन मैंने नहीं किया है। उसके बाद इसमें कटे हुए आलू डाल देंगे। 2 आलू को छील कर मैंने पतला पतला स्लाइस में काट लिया था। और 1 टमाटर डाल देंगे इसके अंदर। उसके बाद इसमें नमक डाल देंगे। नमक आप टेस्ट के अनुसार ऐड कर सकते हैं। उसके बाद इसे ढक के पकने देंगे 4-5 मिनट के लिए धीमी आंच पे, ताकि आलू हमारा अच्छे से हो जाए। आलू लगभग 90% कुक हो गया है। अब हम इसमें साबूदाना जो मैंने भिगा के रखा था उसको डाल देंगे। देखिए साबूदाना अच्छे से मैश हो रहा है, इसका मतलब समझिए साबूदाना रेडी है हमारा। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। इसमें ऊपर से मूँगफली डाल देंगे, नमक डाल देंगे थोड़ा सा। नमक मैंने पहले भी डाला था तो इसलिए थोड़ा ही नमक डालेंगे। इसके बाद 2 मिनट के लिए कुक करेंगे। उसके बाद इसे पे हरी धनिया और नींबू डालकर सर्व कर देंगे। हरी धनिया की पत्ती डालेंगे। देखिए हमारा साबूदाना खिचड़ी बनके तैयार है। तो आप लोग भी इस तरह से साबूदाना खिचड़ी बना सकते हैं। मेरी रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। सुबह में गए थे सूरज में।